जयपुर में एसओजी के स्टेट साइबर क्राइम थाने की ओर से गिरफ्तार तीन नाइजीरियन से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों का यूएस यूके समेत तीन बाहरी देशों में अकाउंट मिले हैं। एसओजी को इस अकाउंट में ठगी की राशि करीब $1 मिलियन होने की जानकारी मिली है। एसओजी ने इसके लिए नाइजीरियन की एम्बेसी को भी सूचित किया है। गिरफ्तार तीनों नाइजीरियन आरोपी देश में होने वाले करोड़ों रुपयों की साइबर ठगी के लीडर हैं। आरोपी हर्बल प्रोडक्ट बेचने के नाम पर अब तक भारत समेत तीन देशों में करोड़ों की ठगी कर चुके हैं। तीनों आरोपियों को दबोचने के लिए एसओजी की महिला इंस्पेक्टर पूनम चौधरी ने महज तीन पुलिसकर्मियों के साथ एक अपार्टमेंट में दबिश दी। ये तीनों देश छोड़कर भागने की फिराक में थे, मगर इंस्पेक्टर ने मशक्कत करते हुए तीनों को दबोच लिया। महिला इंस्पेक्टर पूनम चौधरी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा ने। पूरे देश के अंदर साइबर ठगी के बड़े मामले सामने आ रहे हैं, मगर एसओजी के अंदर कार्यरत एक इंस्पेक्टर है पूरम चौधरी, जिन्होंने एक बड़ा कारनामा यहाँ पर किया है और तीन ऐसे नाइजीरियन एक गैंग के जो लीडर हैं उनको यहाँ पर अरेस्ट करने में कामयाबी हाथ लगी है। उन तीनों को गिरफ्तार करके हालांकि उनको जेल कर दिया गया है, मगर जो उनसे पूछताछ हुई है और पूछताछ के बाद जो खुलासा हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है। उसको जानेंगे किस तरह का पूरा ये जो ठग थे जो कार्रवाई करते थे, किस तरह कितने लोगों को अपने झांसे में लेते हैं, इसको जानने के लिए मेरे साथ यहाँ पर हैं पूनम चौधरी हैं, जिन्होंने तीनों ठगों को पहली बार किसी एक महिला इंस्पेक्टर है जिन्होंने पकड़ा है उनसे जानते हैं कि मैडम किस तरह के ठग हैं, बेसिकली कहाँ से पकड़ के लेंगे। देखिए, इनको हम मुंबई के खारघर से पकड़ के लाए थे और ये तीनों नाइजीरियंस नहीं है, एक नाइजीरिया का है, एक लाइबेरिया का है, एक केनिया का है। इनके पास से हमें एक के पास से एवरेस्ट चिडी विलियम्स नाम का जो है उसके पास से दो जगह के दो पासपोर्ट अलग अलग नामों से सेम फोटोग्राफ्स के हमें रिकवर हुए। एक बंदा नवामा जॉन है जिसके पास से दो कंट्री एक नाइजीरिया एक लाइबेरिया का पासपोर्ट हमें रिकवर हुआ। एक इसमें फीमेल है केनिया के, लेकिन अभी भी हमें डाउट है क्योंकि जो हमारे एनालिसिस में आ रहा है कि एवरेस्ट चडी विलियम्स के पास एक पासपोर्ट और होना चाहिए। और ये लोगों को फेसबुक का फेक आईडी बनाते थे, जो फॉरेन करेंसी बनाने का सामान वो इनके घर से रिकवर हुआ है। ईमेल हैक करके ये डेटा रिकवर करते थे, डेटा रिकवर करने के साथ जो भी विक्टिम के पास पैसा होता था उसको पूरा ईमेल हैक किया या उसका फ़ोन हैक किया उसे निकाल लेते थे। तो वो कुछ चीज़ें इनके हमें अकाउंट में मिली। इनके पास जो सिम मिली हैं वो नाइजीरिया की हैं, यूके की हैं। ये सोचने की बात है कि ये यूके के कैंडिडेट नहीं हैं, पर इनके पास यूके की फेसबुक की बहुत सारी फेक आईडीज मिली हैं और साथ में वहाँ की सिम मिली हैं। और इंडिया में इन्होंने अपने अकाउंट नहीं खुलवा रखे थे, इन्होंने नाइजीरियन जो अकाउंट हैं अपने या दूसरी कंट्रीज़ में जो अकाउंट हैं वो खुलवा रखे थे। वहाँ से हमें भी डेटा आना बाकी है कि इनके पास और कितना मनी है कितना। और ये इस चीज़ में मैं कहूँगी कि जो हमारे एनालिसिस में अभी सामने आ रहा है उसमें अभी इनके बाकी लोगों का सामने आना बाकी है। मैडम, यहाँ पर जो पर्टिकुलर जो मामला दर्ज हुआ था कब दर्ज हुआ था और क्या हो गया था, मतलब इतना टाइम तक बताया जा रहा है कि 3 साल लगे पूरे इस मामले को एक्सपोज करने के अंदर और जब खुलासा हुआ तो एक बड़ी गैंग सामने आई, कौन था यहाँ पर पीड़ित और कितने की ठगी हुई थी उसके साथ? देखिए, जयपुर बेस्ड एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, उनके साथ 1.3 करोड़ की 3 साल पहले ठगी हुई थी, पर उन्होंने मुकदमा January 2020 में दर्ज करवाया था। और दिक्कत ये आती है कि साइबर क्राइम में अगर हम पुराना केस लेते हैं तो उसमें हमें डेटा नहीं मिल पाता कंपनियों से, लेकिन ये इसको हमने टेक्निकली लिया और टेक्निकल लेने की वजह से ये केस खुला। जो मेन गैंग के लीडर थे वो हमारे हाथ लगे, पर अभी लॉकडाउन के कारण एनालिसिस के लिए हमें वक्त नहीं मिल पा रहा है। पर जैसे ही ये चीज़ें परिस्थितियाँ नॉर्मल होती हैं, फिलहाल हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि हम आम जन को सहूलियत प्रदान करें। लेकिन एक कोशिश हो सकती थी, हमने इनको लॉकडाउन के दौरान नहीं पकड़ा क्योंकि 27 मार्च की इनकी टिकट बुक थी, इंटरनेशनल फ्लाइट बुक थी इनकी, इन्हें नहीं पकड़ते तो हो सकता है ये नया साइबर फ्रॉड अभी और ज़्यादातर करते। कोरोना की आड़ में ये नई क्राइम ढूंढ ही रहे थे, नए विक्टिम ढूंढ रहे थे, तो इन पे कहीं ना कहीं पाबंदी लगाना जरूरी था। देश में ही नहीं अदर कंट्रीज के अंदर भी करोड़ों रुपए की ठगी की थी। फिलहाल एक जो अकाउंट मिला है जिसके अंदर $1 मिलियन बताए जा रहे हैं, फिलहाल एसओजी की टीम है इन सभी तीनों को लेकर के वापस से जो जेल में भेज दिया है उनको वापस से यहां पर लेके आएगी और उनसे पूछताछ करेगी और पूछताछ के बाद खुलासा होगा कि अब तक कितने करोड़ों की जो है ये ठगी कर चुके हैं। मगर प्रारंभिक जो पूछताछ हुई है, जाँच पड़ताल हुई है, उसके अंदर सामने आया है कि देश ही नहीं देश के बाहर अदर कंट्रीज को भी इन्होंने अपने जो ठगी के जाल में फंसाया था और वहां से करोड़ों रुपये की इन्होंने ठगी की थी। तो अपने आप में जो
कार्रवाई हुई है, बेहद काबिले तारीफ है, वो भी कोरोना के बीच में, चूंकि 27 तारीख को ये सभी जो बदमाश थे ये इंडिया छोड़ के भागने वाले थे, मगर पूनम चौधरी अपने जाब्ते के साथ महज 3 कांस्टेबल के साथ वहां पहुंची और उसके बाद तीनों को यहां पर पकड़ के लेके आई। कैमरा पर्सन जस मात्रो के साथ यादेंद्र शर्मा, एवन टीवी न्यूज।